माय नेम इज़ डॉक्टर श्वेता गोयल. यू आर वॉचिंग द इंडियन मास्टर फाइनेंस एथ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल. सो हियर वन योर जॉब इन महाट्रांसको, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड. इसमें एक पोस्ट निकली है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में निकली है, आपकी HR डिपार्टमेंट में. यह आपकी पोस्ट वैकेंसी रिजर्वेशन आपको दिख जाएगा. इसमें MCTCL इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम डायनमिक टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल पर्सनल फॉलोइंग पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल. ओके, सो हियर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो ट्रांसमिशन के लिए है, जो आपकी 170 पोस्ट है. टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपकी 25 पोस्ट है और सिविल के लिए आपकी 28 पोस्ट है. ओके, सो नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी चेंज. ओके, सो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ द सैलरी ऑफ 49,210 से आपका जो बनेगा, आपका ये बनेगा, और बाद में HRDA वगैरह मिला के आपको 119,000 तक आपको मिल जाएगा. क्वालिफिकेशन जो चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होना चाहिए. असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए. ठीक है, और ये आपको जो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी 24 मई 2022 से पहले होनी चाहिए. अगर उसके बाद आप सिक्योर करते हैं तो मेरिट लिस्ट बनेगा और रिटर्न टेस्ट होगा. ओके, वो एलिजिबल नहीं होगा सिलेक्शन के लिए. तो आपकी जो पोस्ट है या क्वालिफिकेशन है वो आपकी 24 मई 2022 से पहले क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. जो ओपन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 38 इयर्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी है वो आपकी 43 इयर्स रहेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल. ओके, रिजर्वेशन भी आपका एज़ पर द गवर्नमेंट रूल रहेगा. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड मार सकते हैं. ठीक है, अपना पूरा इसमें से आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई. आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट ओनली. ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टी चॉइस टेस्ट आएंगे. ठीक है, सेंटर जो रहेंगे अहमदाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रापुर, डूले, कोल्हापुर, लतूर, मुंबई, नागपुर, नागालैंड, नासिक, पुणे, ये सब आपके सेंटर रहेंगे. एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी आपकी ओपन कैटेगरी के लिए 700 रहेगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 रहेगी. ठीक है, हाउ टू अप्लाई, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट. हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई टू द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, यू हैव टू अप्लाई टू द ऑनलाइन ओनली. ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. आपको इसमें जाना पड़ेगा, इसकी ऑनलाइन साइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर महाट्रांसको की ऑनलाइन साइट पे जाकर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन में जाना पड़ेगा. उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल पे आएगा, ईमेल के बाद आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट हु चेंज फर्स्ट मिडिल लास्ट पोस्ट मैरिज शुड बी इंडिकेट हर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, आपका अगर फीमेल का अगर मैरिज के टाइम पर रजिस्ट्रेशन नेम चेंज हुआ है तो आप उसको अपना इसमें देंगे. ठीक है, वैलिडेट योर डिटेल्स एंड सेव योर एप्लीकेशन. आपको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा, प्रीव्यू देखना पड़ेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा एंड देन सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, पेमेंट फी मैं आपको बता चुकी हूँ कितना है, तो आप इसको भर सकते हैं. वैलिड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आएगा. ठीक है, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आएगी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ आपको लगाना पड़ेगा. तो इसकी जो लास्ट ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी जून जुलाई में आएगी, जून जुलाई 2022 में है, और जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का है वो 24 मई 2022 लास्ट है. और कैंडिडेट के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए. सो ये दिस इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र साइट. So please subscribe and share this channel for more videos. Thank you. Good day and take care. Please subscribe and share this channel.